मनुष्य की दुर्गति तभी हो रही है, हम लोग भी दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस देवी में कहते लक्ष्मी बसती है, उस लक्ष्मी में, उस लक्ष्मी को गालियां देते हैं। नारायण कहते तो आप के छोड़ दे, अगली बार गलती ना करूंगा। और जो नहीं देखने चाहिए हमेशा उन्हीं पर नजरें टिकाई रखी। हमारी इंद्रियों का कितना गलत इस्तेमाल हम कर रहे हैं। भगवान की दी हुई है ये इंद्रियां, हमारी नहीं है। जब तक आप सदुपयोग नहीं करोगे आपकी सदगति नहीं होगी। तो उनकी क्या गति होगी जिनका मन जगह जगह पे अटका हुआ। मनुष्य की दुर्गति तभी हो रही है जब मनुष्य किसी भी इंद्री का प्रयोग बिना सोचे समझे कर रहा है। एक चीज जो आपको मिली है, जैसे गाड़ी मिली है, आप गाड़ी का सदुपयोग करिए, बैठिए, ड्राइविंग करना जानते हैं तो आप चलाइए और आराम आराम से जो रोड स्पीड है उसका फॉलो कीजिए, उसी रास्ते पे उसी दिशा में चलिए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये उसका सदुपयोग है। दुरुपयोग, रॉन्ग साइड चलाइए, हाई स्पीड चलाइए, ब्रेक का इस्तेमाल ही मत कीजिए, बस एक्सीलेटर दबाए चले जाइए, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, खुद भी मरोगे औरों को भी मार दोगे। मनुष्य किसी भी चीज का दुरुपयोग करेगा तो वो दुख पाएगा। हम लोग भी दुरुपयोग कर रहे हैं। बाणी मीठा बोलने के लिए दिए भगवान ने, क्या क्या नहीं बोलते इससे, हम गालियां तक देते हैं। औरों को छोड़ो, भाइयों को ही गालियां दे लेते, परिवारिक जनों को गालियां देते हैं। जिस देवी में कहते लक्ष्मी बसती है, उस लक्ष्मी में, उस लक्ष्मी को गालियां देते हैं। लक्ष्मी को छोड़ो, आजकल तो लक्ष्मी है नारायण को सुनाती रहती है। कई लक्ष्मी तो नारायण का गलेवान भी पकड़ लेती है, तो देख लूंगी है भाई, जय जमाने में देख लूंगी। नारायण कहते तो आप के छोड़ दे, अगली बार गलती ना करूंगा। हाँ या ना बोलो। तो भगवान ने हमें वाणी किसके लिए दी, अच्छा बोलने के लिए। हमने प्रयोग क्या किया, गलत बोलने का, तो परिणाम क्या होगा। गाड़ी आपने रॉन्ग साइड चलाई, हाई स्पीड चलाई, ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया, मरोगे औरों को भी मारोगे। भगवान ने हमें नेत्र दिए, जो देखने चाहिए थे वो नहीं देखा, और जो नहीं देखने चाहिए हमेशा उन्हीं पर नजरें टिकाई रखी, और ये हो ही रहा है। जब से मोबाइल आया है, बताइए ईमानदारी से, आपका दर्शन बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है। बूढ़े बूढ़े आदमी फेसबुक पे लगे, अच्छा यही कह दे कि चलो कथा शेयर कर दो तो नानी मर जाएगी, अभी कथा शेयर नहीं कर। इतने हजारों लोग यहां बैठे, सबकी जेब में मोबाइल है मजा ले, किसी ने शेयर करी, दो चार ने कर दी होगी, बाकी सब बैठे हैं। और वहीं कहीं कोई हीरोइन का डांस आ जाता, महिलाओं के लिए कोई हीरो कुछ गलत कर रहा होता, कितना शेयरिंग हो जाता उसका। ये दुरुपयोग है कि नहीं, बोलो बोलो। और ये बुद्धि से सोचो, मेरे कहने से मत सोचो। हमारी इंद्रियों का कितना गलत इस्तेमाल हम कर रहे हैं। भगवान की दी हुई है ये इंद्रियां, हमारी नहीं है। ये हमारी इंद्री नहीं है, ये भगवान की दी हुई है। और भगवान की दी हुई इंद्रियों का इस्तेमाल हम गलत करते हैं। हमारी वाणी का इस्तेमाल गलत है, हमारे नेत्रों का इस्तेमाल गलत है, हमारे श्रवण का इस्तेमाल गलत है। बताइए हमारे श्रवण का क्या इस्तेमाल हो रहा है। कान में वो तार लगाए और न जाने क्या क्या सुन रहे हैं। एड आते ना वो आजकल, बच्चे कान में लगा के गाने सुन रहे हैं, मां पूछ रही बेटा ये ठीक है, बोले हाँ ठीक है, अब पता ही नहीं क्या ठीक है, बोले हाँ ठीक है। अच्छा बड़ा शान समझते कि हमने ऐसा एड बना दिया। अरे भाई जरा सोचो कि तुमने बच्चों को क्या सिखा दिया। क्या बच्चे सिर्फ गाने सुनने के लिए पैदा हुए। मेरे भाई बहन, भगवान की दी हुई इंद्रियों का जब तक आप सदुपयोग नहीं करोगे आपकी सदगति नहीं होगी। एक भी इंद्री गलत फंसी तो तुम फंसोगे इसी जन्म में, और बार बार जन्म लेना पड़ेगा। कल हमने एक बात कही थी, आपने सुनी थी, एक मृगा के मोह में भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत समय। एक मृग के चक्कर में भरत जी महाराज को
इतने भजन के बाद भी, इतने त्याग के बाद भी उन्हें मृग बनना पड़ा, तो उनकी क्या गति होगी जिनका मन जगह जगह पे अटका हुआ, हर इंद्रिय अटकी हुई है। श्रवण गति कहीं और है, दर्शन गति कहीं और है, वाणी कहीं और है, चित्त कहीं और है, स्पर्श का सुख तो मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहते, उनका क्या हाल होगा।